जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जी एस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग पार्ट एक कंप्लीट कर चुके थे, आज पार्ट टू की तरफ आएंगे और इसमें 35 से नंबर के यानी कि 35 क्वेश्चन हम लोग पहले भाग में किए थे, आज 35 से आगे तक करेंगे। इसमें लगभग 120 के करीब क्वेश्चन है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसके बाद भी एक पार्ट आएगा और कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्त, एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो एग्ज़ाम आपका जल्द होने वाला है। नवंबर मान के लिए बहुत खींचा तो दिसंबर तक जाएगा। यह किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, सब में आए हुए हैं या सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरफ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब तो ये कई बार होता है, बाकी लाइक कर दीजिए। नए हैं तब सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर जैसा कि बताते आ रहे हैं, मेंटल एप्टीट्यूड का सारा चैप्टर हमने पढ़ा करके ख़त्म करके प्लेलिस्ट में लगा दिया है। और आज हम लोग का उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृत का पार्ट नंबर 2 है और इसमें भी बहुत सारे चैप्टर यहाँ पर हो चुके हैं, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, यही सर्च करके टेलीग्राम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम लोग लगभग 35 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 35 से आगे आज हम लोग को करना है। 35 से आगे क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म पूछ दे कब हुआ था, तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और नीरू और नीमा नामक दो दंपत्ति थे, उन्होंने संत कबीरदास जी का लालन पालन किया था और इनकी मृत्यु लगभग 1518 ईस्वी में हो गई थी। और कुछ इतिहासकार इनको 1498 में मानते हैं कि इनकी मृत्यु 1498 में हुई थी, ठीक है। तो यह स्थिति विवादास्पद है। और बाकी यह वाराणसी में जन्मे थे और जो सिकंदर लोदी था उसके समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी, यानी किसके द्वारा रखी गई थी, कौन थे उस्ताद थे? तो यहाँ पर बाक्षू खान ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नैना मिलाई के किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अमीर खुसरो जी ने इनको लिखा था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के रूप में भी जाना जाता है? तो पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है मुरादाबाद को, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। बाकी यहां पर मुजफ्फरनगर की बात करें, मुजफ्फरनगर के अलावा फिरोजाबाद, ठीक है। तो फिरोजाबाद की क्या प्रसिद्ध है? चूड़ी प्रसिद्ध है, या फिर साज श्रृंगार का जो सामान है उसको श्रृंगार नगरी भी कहते हैं, तो वह सही हो जाएगा। आगे आएगा मुरादाबाद, ठीक है। फिलहाल इसका सही जवाब क्या है? मुरादाबाद पीतल नगरी को कहा जाता है, एक बार फिर से। और बाकी जो फिरोजाबाद को उसको चूड़ी नगरी कहा जाता है या फिर श्रृंगार नगरी। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो यह भी यूपी पुलिस कांस्टेबल ने पूछा गया है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बनारस घराना। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो क्या बनता है वहाँ पर? कांच की चूड़ियाँ। और कांच की चूड़ियाँ के अलावा यहाँ पर इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको फिरोजाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? संयुक्त प्रांत का नाम कब बदला गया था? तो 24 जनवरी 1950 को बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसके अलावा इसका और क्या क्या इतिहास है, तो यहाँ पर देखिए, सभी को ध्यान से सुनिए, ठीक है। 1836 ईस्वी में इसका नाम क्या था, नाम क्या किया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, कहाँ थी? तो आगरा थी। इसका नाम क्या रखा गया, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम प्रांत। लेकिन यहाँ पर 1877 में क्या हुआ, इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत और पीछे आगरा एवं अवध जुड़ गया,
आगरा प्लस अवध, ठीक है। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर 1902 में हुआ, इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अयोध्या का संयुक्त प्रांत, ठीक है। फिर इसके बाद 1937 में इसका हुआ नाम संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, संयुक्त प्रांत। फिर इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, 24 जनवरी 1950 इसका नाम क्या हो गया उत्तर प्रदेश, केवल और केवल उत्तर प्रदेश। तो यह छोटा सा उत्तर प्रदेश का इतिहास है नामों का, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा और आपको बात बता दें, इसको नोट करिएगा। देखिए 1858 से क्या हुआ यूपी की कैपिटल, 1858 से कैपिटल यानी कि राजधानी की बात करें तो प्रयागराज थी यानी इलाहाबाद। फिर 1921 से यहाँ पर कैपिटल क्या हुई लखनऊ आंशिक रूप से, और 1935 से लखनऊ पूर्णतः रूप से हो गई, बाकी आगे तब से लखनऊ चला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कालीस्तान जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है, तो कौन सा जिला है एक काला नमक के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थनगर। सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो किस जिले में हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एटा, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो एटा कहाँ पर है कासगंज में है, ठीक है। कासगंज अगर इसके अलावा ऑप्शन रहता तो कासगंज भी मार सकते हैं, एटा रहेगा तो एटा दोनों दे देगा। तो यहाँ पर वर्तमान में क्या कहाँ पड़ता है कासगंज में पड़ेगा। और अमीर खुसरो क्या थे, इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था, ठीक है। 7 सुल्तानों का काल पूछे किसने देखा था, तो इन्होंने 7 या 8 शायद 8। अगला क्वेश्चन है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बहू बेगम फैजाबाद की थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी कहा जाता है, कौन है, तो यह है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को प्यार से क्या बुलाया जाता है, अप्पा देवी बुलाया जाता है। अगर पूछ दे किस घराना से यह संबंधित है, तो यह बनारस घराना से संबंधित है और ठुमरी गायिका थी यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो नाम में ही इस छुपा है आंसर योगी आदित्यनाथ, तो यह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त यहाँ पर जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, उनके लिए बात करेंगे चच्चू पब्लिकेशन की, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक है। यहाँ पर देखेंगे तो यह बुक कंप्लीट स्टडी गाइड है जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, और इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, सॉल्व पेपर हो गया और MCQ क्वेश्चन हो गया, और इस PDF का एक झलक आप यहां पर देखिए, बाकी इसमें पाठ्यक्रम नवीनतम दिया हुआ है। इसके अलावा यह बुक जैसे यहां पर देखेंगे उत्तर प्रदेश का एक परिचय के बारे में, यह वाला जो चैप्टर आता है इस चैप्टर के बारे में यहां पर डिटेल से दिया हुआ है, इसका इतिहास क्या है, ठीक है, संरचना क्या है, जिला पुलिस का इकाई बाकायदा यहाँ पर मैप के माध्यम से दिया हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रैंकिंग सिस्टम क्या है ऑफिसर्स का, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे स्टडी गाइड के अलावा चच्चू पब्लिकेशन की अन्य बुक भी आती है, जिसमें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, ठीक है, सॉल्व पेपर मिलेगा यहाँ पर, प्रैक्टिस सेट या सब कुछ इसमें मिलने वाला है, तो आप बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जाकर के ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो इसके लिए चलिए हम मैप को लाते हैं।
देखिए नेपाल के साथ पूछा है ना, तो नेपाल आपको पता है क्या है, उत्तर यूपी के उत्तर में है। तो नेपाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़िले सटे हैं, तो यहाँ पर देखिए गिनिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 ज़िले संबंधित हैं। इनमें से ऑप्शन देखेंगे तो महाराजगंज भी इनमें से सम्मिलित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ज़िला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज़ के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को चुना गया है, तो 49 का सही जवाब हो जाएगा जालौन को चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ODOP जो भी है, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको आप एक बार रट डालिएगा, देख लीजिएगा कि कौन से ज़िले में कौन सा उत्पाद को वहाँ पर मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ स्थानांतरित किया था, अभी इसका इतिहास हमने आपको बताया, तो 50वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले इलाहाबाद था लेकिन 1921 से क्या हो गया, लखनऊ हो गया, और 1935 से पूर्णतः लखनऊ हो गया, वैसे तो आंशिक था थोड़ी कुछ वर्षों तक, फिर पूर्णतः हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पड़ता है, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्तमान के उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात कर दिया शासक परिवार ने, तो यह किस वंश से संबंधित थी, तो कोलीय वंश था, ठीक है, कोलीय वंश से संबंधित थी, इनके माता का नाम महामाया, सबको पता है माता का क्या नाम था, महामाया। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, तो बीठूर में है, और पूछे बीठूर किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है बीठूर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 52 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जनवरी 1945 को उत्तर प्रदेश ने खाली स्थान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था, तो वह कौन सा था, तो देखिए इसका सही जवाब तो हो जाएगा बनारस अखबार था, ठीक है, बनारस अखबार जो था 1945 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, समाचार पत्र निकाला गोविंद रघुनाथ ने इसको संपादित किया था। और यहाँ पर बात करें संचालक, तो संचालक कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर पूछ ले हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, उसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था, ठीक है, तो उस वह हिंदी का था लेकिन कहाँ से किया गया था, कलकत्ता से, लेकिन यह यूपी का पूछा है तो यूपी में बनारस अखबार होगा, इस अंतर को याद रखना। और 30 मई 1826 में जो कोलकाता में स्टार्ट किया गया था कौन था, उदंत मार्तंड, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख में निशाना मारा था, मतलब निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कहां पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्रुखाबाद में, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी ज़िला है जैसे जौनपुर हो गया, ठीक है, जौनपुर के अलावा आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, इन सब ज़िले की जो मिट्टियाँ इसमें पोटास की कमी पाई जाती हैं, तो जौनपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, तो बुंदेलखंड आया तो याद रखिए बुंदेलखंड के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, 7 ज़िले आते हैं, और उनमें से कौन कौन सा है, तो झांसी हो गया, झांसी के बाद बांदा के बाद यहाँ पर ललितपुर, हमीरपुर, ठीक है, जालौन, महोबा के बाद यहाँ पर चित्रकूट, ठीक है, तो यह सब क्या है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा महोबा। अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है किस संग्रहालय में संरक्षित है, तो यह रखा गया है सारनाथ संग्रहालय में, बी सही।
चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति के नाम से या फिर जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उसको इस नाम से जाना जाता था चंदेल वंश के समय में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 ईस्वी में प्रकाशित किया था जिसका नाम था बाला बोधनी। किसने प्रकाशित किया था? हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पत्रिका, जितने भी पत्रिकाएं यूपी से संबंधित हैं या महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, सभी का एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसको आप एक बार देखिएगा ज़रूर, बनाएंगे आगे अभी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इनायत खान के बारे में पूछा है, तो इनायत खान इटावा से थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा, सितार वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं सदी BC यानी कि BC की बात कर रहा है, बिफोर क्राइस्ट के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी के नाम से जाना जाता था? तो चेदी के नाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ पर देखेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड वाले एरिया को चेदी के नाम से जाना जाता था। बाकी यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है उसके अनुसार 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद हुए थे। कितने? 16 महाजनपद हुए थे। इनमें से अगर पूछ ले यूपी में कितने थे, तो उत्तर प्रदेश में याद रख लीजिएगा 8 जनपद थे, या कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 16 महाजनपद से यूपी में से कितने थे, 6 कौन कौन सा था, तो आप नोट करिएगा। हम बोल रहे हैं यहाँ पर नंबर 1 पे काशी हो गया, 2 पे वत्स हो गया, 3 पे कोसल यानी कि जो श्रावस्ती वाला क्षेत्र है इसकी राजधानी थी, यहाँ पर चौथा हो गया मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी, 5वां हो गया चेदी जो कि बुंदेलखंड के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 6ठा हो गया कम्बोज जो कि हाटक इसकी राजधानी थी, 7वां हो गया सूरसेन जिसकी मथुरा राजधानी थी, और 8वां हो गया पांचाल जिसकी अहिच्छत्र राजधानी थी, बरेली फर्रुखाबाद और बदायूं वाले क्षेत्र में वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने खाली स्थान में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी, तो किस जिले में? तो यहाँ पर कन्नौज इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, एक का नाम था प्रियदर्शिका और दूसरे का नाम था रत्नावली और नागानंद, तो इसे PNR के नाम से याद रख लीजिएगा, PNR, प्रियदर्शी, नागानंद, रत्नावली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, सी सही है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध कौन से कवि थे, कौन से यहाँ पर थे? तो सही जवाब हो जाएगा रघुपति सहाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार है। यहाँ पर यूपी पुलिस की बात कर रहा है ना, तो पुलिस में हम जो क्वेश्चन आए पुलिस वाला, बाकी यूपी पुलिस लोअर का होता है, UP SSC का होता है, जहाँ पर ये सब पूछे जाते हैं, तो यह क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। बाकी यूपी पुलिस में बात करें तो पुलिस के अंतर्गत यह कांस्टेबल में पूछा गया है, और इनको उर्दू का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, रघुपति सहाय को उर्दू साहित्य का, ठीक है, उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला था। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है गुल ए नगमा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। 64वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं, बताइए, बिरहा, रसिया, चैती या फिर कजरी? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा कजरी, गाया जाता है बारिश के महीने में, यानी कि जो सावन वाला महीना चलता है उसमें गाया जाता है। बाकी बिरहा उरहा कब गाया जाता है? तो बिरहा जैसे कोई शुभ अवसर हो गया, कहीं किसी की बारात गई है, ठीक है, या फिर कुछ और गांवों में पड़ गया है, तो गाया जाता है बिरहा, यह भी एक लोकगीत है, गीत है। बाकी रसिया जो है, रसिया तो कृष्ण भगवान से संबंधित है, उनके उपासना के लिए गाया जाता है। चैती फागुन महीने में गाया जाता है, और बाकी कजरी हमने बता दिया बारिश के महीने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65वां,
प्रसिद्ध सूफी संत खालिस्तान के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवास शरीफ मेला का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वारिस अली शाह। बाकी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि देवास शरीफ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो बाराबंकी में होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। तो देश की बात करें तो देखिए कैलेंडर हमारा, देखिए मैप कहाँ आ गया, तो मिलाइए कौन सा देश इसमें शामिल है। एक ही तो देश दिखेगा, एक ही नहीं मतलब देश तो है, ऑप्शन में से देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा। बाकी पाकिस्तान भी उधर, पाकिस्तान कहाँ, पाकिस्तान तो भारत से लगता है ना। बाकी यूपी से बात करें तो यूपी से यहाँ पर जो देश लगता है उसका नाम है नेपाल। ठीक है, एकमात्र विदेशी राज्य यूपी से स्पर्श करने वाला है नेपाल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चीन, भूटान, बांग्लादेश यह सब तो भारत के पड़ोसी हैं। और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा कौन साझा करता है भारत से, तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर शामली। और वैसे अगर पूछ ले NCR में कितने ज़िले शामिल हैं, तो देखिए अभी वर्तमान में बात करें तो कौन कौन सा 9 ज़िले शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, मेरठ हो गया, मेरठ के अलावा यहाँ पर मुजफ्फरनगर, मेरठ मुजफ्फरनगर, यहाँ पर गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बागपत, हापुड़ और शामली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक तो कौन कहाँ गया, शामली। ठीक है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर बागपत, हापुड़, शामली। तो 9 ज़िले शामिल हैं। इसको एक बार करेक्ट करिएगा, 9 नहीं बल्कि यहाँ पर 8 ही ज़िले हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, मेरठ गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। बाकी प्रस्तावित ज़िले कौन कौन से हैं, तो प्रस्तावित ज़िले हैं जैसे मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया और यहाँ पर सहारनपुर, यह ज़िले जो हैं प्रस्तावित हैं NCR में शामिल करने के। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुलाबी गैंग के संस्थापक उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो कि महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है, कौन सा है। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत पाल देवी जी इसका सही जवाब है। 69, मुरादाबाद खालिस्तान के कार्य हेतु और उसके विश्व भर में हस्तकला उद्योग के लिए अपना आला स्थान, यानी कि आला मतलब क्या होता है, ऊपर स्थान बनाया हुआ है। तो मुरादाबाद पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी कुछ और यहाँ पर देख लीजिए, पीतल के अलावा जैसे हीरा की बात कर दे, हिंदी में लिखो भाई हीरा। ठीक है, तो हीरा कहाँ से होता है उत्पादन, बांदा और यहाँ पर मिर्ज़ापुर। ठीक है, और तांबा का पूछ दें, तांबा कहाँ से, तो ललितपुर में। और इसके अलावा कोयला पूछ दें, कोयला यहाँ पर सिंगरौली से। और यूरेनियम कहाँ से, यूरेनियम भी ललितपुर से। क्वेश्चन नंबर 70, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो 70 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में स्थित है। 71वां, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है नवचंदी मेला। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप पूछ दें नवचंदी मेला कहाँ पर, तो मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो बुंदेलखंड वाला हमने आपको गिनाया था ना, तो बुंदेलखंड से संबंधित यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा हो गया, बांदा हो गया, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया। ठीक है, यह सब किससे संबंधित है, तो बुंदेलखंड से संबंधित है। 73वां, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है। तो 7.3% लगभग यहाँ पर घेरे हुए है। क्षेत्रफल की बात कर दें उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, तो 240,928 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर टोटल 8 राज्यों से स्पर्श करता है
और एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करता है। ठीक है, यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में कई बार पूछा जा चुका है। तो कुल अगर पूछ दे 9 केंद्र और केंद्र शासित और राज्य से मिला करके, वैसे 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से टच करता है। 74वां, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र थे उसे सूरसेन नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो दैनिक था और हिंदुस्तान था, तो उसके संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय यानी कि MMG थे। क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएं कि रहने दें यहीं पर? 75, ठीक है। तो देखिए 25 अभी इसमें हो गया, 20, 35, 45। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 3 में हम लोग कर लेंगे, उसमें समाप्त कर देंगे बाकी के सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए दोस्त इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा, कमेंट वमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, तो कमेंट एक बार कर दिया करिए वीडियो कैसा लगा। और बाकी पहला पार्ट भी जा करके देख लीजिएगा, और यह सब भी अब तक कितने क्लास हो गए हैं इनको भी जा करके देख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।